थी उसको वहां गुजार कराया। पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्टील मिल हो, पोर्ट कासिम हो, आपको मुझे हम सबको शनाख्ती कार्ड के जरिए आज जो हम मुआशी एतबार से फंसे हुए हैं, बेरोजगारी का चैलेंज है, वो भुट्टो साहब ने उस जमाने में रोजगार के मौके और ममालिक में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए खुलवाए, जिससे पाकिस्तान आज भी मुस्तफीद हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 44 साल गुजर गए, भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला। उसकी नजरसानी, जिसके बारे में उस अदालती फैसले के बारे में हम कानून के तालिब इल्म हैं, प्रेसिडेंट के तौर पे, मिसाल के तौर पे आज तक कोई वकील उस केस को इस्तेमाल नहीं करता। अदालत अपने किसी फैसले में उस केस का जिक्र नहीं करता, यहां तक कि